अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज मुर्गों की काफ़ी देर के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाई थी मुर्गों की, आज सोचा आप दोस्तों के लिए मुर्गों के बारे में वीडियो बना दूँ। तो ये जी कवार गंदर के बारे में आज बताऊँगा, कवार गंदर क्या होती है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है मुर्गों के लिए और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो ये जी कवार गंदर या एलोवेरा कह सकते हैं, इंग्लिश में एलोवेरा कहते हैं और उर्दू में कवार गंदर कहते हैं। तो इसका मुर्गों को देने का तरीका भी बताऊंगा और इसके सबसे पहले इसके फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। यह जी मुर्गों को दिया जाता है जो मुर्गों का हाजमा ख़राब हो जाता है या मुर्गों के मुंह पर सफ़ेदा हो जाता है, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। तो कुछ मुर्गे बीठे अजीब तरीके से करते हैं, उनका हाजमा दुरुस्त नहीं होता, तो कवार गंदर दी जाती है, उसके साथ बहुत ही फ़ायदा पहुँचता है मुर्गों को। और उसके अलावा मुर्गे दाना कम खाते हैं या बद हजमी सी हो जाती है मुर्गों को, उसके लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, भूख की कमी को दूर करता है। तो इसको बनाने का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह की आपने एलोवेरा लेनी है, इसे बड़ी ले लें तो बेहतर है। तो आपने तकरीबन 4 से 5 इंच एलोवेरा का गुदा अंदर से निकाल लेना है, साइड से भी काट लेनी है और ऊपर नीचे से काट के अंदर जो गुदा होगा वो आपने मुर्गों को इस्तेमाल करवाना है। तो यहाँ पे मैंने काट के भी रखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखे तकरीबन इतना सा मैंने काट के रखा हुआ है, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं थोड़ा सा। तो ये मुर्गों को खिलाना है, इंशाल्लाह आपके मुर्गे बिल्कुल फिट रहेंगे, बीमारियों से महफूज रहेंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ है एलोवेरा, या आप हफ्ते में दो मरतबा लाजमी इस्तेमाल करवाया करें, तो इससे आपके मुर्गे बिल्कुल फिट रहेंगे, बदहजमी दूर हो जाएगी मुर्गों की और जो पोटे वगैरह बंद कर जाते हैं वो भी नहीं होंगे। तो ये जी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।